राजस्थान में उदयपुर ज़िले के भानपुरा इलाके में हम हैं और यहाँ एक अस्पताल है जो सरकार को दिया गया, सरकार को सुपुर्द किया गया। अब देखिए, जैन समाज के द्वारा एक किसी व्यक्ति ने समाज सेवा करने के उद्देश्य से कि अस्पताल सरकार को दिया, स्वर्गीय मांगीलाल लालचंद जैन राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। अब देखिए, राज्य सरकार का अस्पताल है और इस पूरे इलाके में एकमात्र अस्पताल है। अभी जब हम चौराहे से निकल रहे थे, कुछ लोगों से चुनावी माहौल पर बात करना चाह रहे थे, तो उन्होंने बताया कि अस्पताल की पीड़ा देखिए, आपको एक स्टाफ नहीं दिखाई देगा। कमाल की बात यह है कि कितने दूर में, 50 किलोमीटर दायरे में ऐसा बड़ा हॉस्पिटल नहीं है सर, और इस अस्पताल में कोई, इस अस्पताल में कोई भी नहीं है। ये हॉस्पिटल देखिए, ये चिकित्सा कक्ष है, यहाँ पर हम किससे बात करें, ये कुर्सी देख लीजिए, इनसे बात करें, कौन समस्या हमारी बताए, ये देखिए, ये अस्पताल इतनी सारी बेहतरीन जो है सुविधाएं इनकी दी गई। अभी गोली लेने कहाँ जाए, बताओ, कोई है नहीं यहाँ पे, बताओ। ये पूरा अस्पताल देखिए, आम तौर पे आपको कई शहरों में ऐसा ऐसी सुविधाएं मिलेंगी नहीं। देखिए, ये नर्सिंग स्टाफ का है, खाली है, कोई जवाब देने वाला नहीं, किसी की जवाब, दवाइयां देखिए, सब कुछ है। देखिए, अब जीत इधर दिखाइए, आप जीत दिखाइए इधर, ये देखिए पूरा जो है दवा दारू सब कुछ है, मतलब सुविधाएं एकदम खुला पड़ा, कोई स्टाफ वगैरह कुछ नहीं है। ओनली सर एक कर्मचारी हमारे, ये भाई है यहाँ पे, सुबह के आए हुए हैं। आप अकेले हैं यहाँ? नहीं, आए थे सर, वो निकल गए, सब निकल गए, जल्दी निकल गए सर, देख लो सर। आपका नाम क्या? नहीं, आपकी कोई गलती नहीं, ऐसा आप डरिए मत, आपकी कोई गलती नहीं। सर दीपक कुमार ग्रह, सर लेब असिस्टेंट। आप लैब असिस्टेंट हैं? जी सर। ये आपके अलावा कोई नहीं है अस्पताल में? निकल गए वो सर, सब डॉक्टर साहब, सब ये रोज आते हैं डॉक्टर साहब। अब कहाँ जाए पब्लिक, कहाँ जाए बताओ। अब देखिए, एक महीने में एक दिन यहाँ से उदयपुर जाते हैं, 80 किलोमीटर इधर आइए, जितनी उदयपुर यहाँ से 80 किलोमीटर उदयपुर चले जाते हैं। अब देखिए, हम इस अस्पताल में आए, पब्लिक अभी आई है और मुझे बहुत प्रेशर करके ये लोग अस्पताल लेकर के आए कि आप आइए, ये प्रतीक्षालय है। और कायदे से आप देखिए तो कोई जर्जर व्यवस्था नहीं है, आमतौर पर जो अस्पतालों की स्थिति जर्जर होती है ऐसा कुछ नहीं है, तमाम सुविधाएँ हैं, सब कुछ है, लेकिन हर जगह जो है वो, अब ये कह रहे हैं साहब कि हम हैं लैब असिस्टेंट हैं आप, तो इन्होंने ये कुर्सी पर बैठ गए हैं, तो क्या मरीज यहाँ आता है, ये सुविधाएं नहीं है तो कैसे मरीज आएगा? जी सर आते तो हैं, मरीज तो आते हैं, ये गांव वाले कहते हैं कि कोई कुछ है ही नहीं, ना डॉक्टर आता है, रहता भी नहीं है, गांव वाले तो कह रहे हैं ना डॉक्टर आता है ना कोई आता है, मरीज तो आते हैं सर। तो मरीज को कौन देखता है, मरीज को कौन देखता है? आप ही ड्यूटी आप कर रहे हैं, कोई बात नहीं, आप कर रहे हैं, इनकी ये तो एक सामान्य कर्मचारी हैं भाई, इनकी कोई गलती नहीं है, ये तो अपनी ड्यूटी पे हैं कम से कम। हाँ, इनके लिए हम तो कह रहे हैं, इनके लिए हम भी कुछ नहीं बोल रहे, इनके लिए कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन लेकिन आमतौर पे इतनी सुविधाएं, जब मैं बिहार के अस्पतालों में भी जाता हूँ तो मुझे नहीं मिलता इस तरह की सुविधाएं, मतलब सुविधाएं तो है, डॉक्टर नहीं है। देखिए, सब कुछ होने के बाद भी लेना पड़ा, कुछ नहीं, ये सब एक्सपायरी है, दवाएं जो हैं वो ये आलम है। अब आप देखिए कि एक व्यक्ति ने अपना पूरा खर्च, मतलब ये सरकार को दिया गया, गिफ्ट किया गया, दिया सर, बना के बिल्डिंग, जमीन खरीद के मूल लेके सर फिर गिफ्ट किया सर। सर इधर और ये गिफ्ट किया, मैं सेठ जी ने यहां पे जमीन खरीद के बनवा के गिफ्ट किया। क्यों बताओ भाई, दवा का दवा वितरण कक्ष है ये, ये देखिए दवा रखी हुई है। अब वो ज्यादातर हो सकता है कि एक्सपायरी हो गई होगी, ज्यादातर एक्सपायरी हो गई होगी, जब डॉक्टर ही नहीं आता, और आप लोग इतनी बड़ी संख्या में, ऐसा तो नहीं झूठ बोल रहे होंगे आप लोग भाई, जब क्यों झूठ बोलेंगे, मजा नहीं आता है, बिल्कुल मजा आता है क्या झूठ बोलने के, खुद देख लो, देख लो ना। अब देखिए, ये प्रसव कक्ष है, लेबर रूम है, स्टोर रूम है, ये महिला शौचालय है, और ये प्रसव कक्ष है, बंद है, मतलब इस इलाके में यदि महिलाओं को, आप महिला हैं, आप एक महिला की नजर से बताइए कि यदि किसी को इस तरह के एकाएक प्रसव हो, अपने इतना बेहतरीन अस्पताल है, सब कुछ है, लेकिन डॉक्टर नहीं, कुछ भी डॉक्टर नर्स नहीं है, तो फिर कहाँ जाएंगे हम, इधर है ना 50 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। हाँ बताइए, दूर जाना पड़ेगा, इधर डॉक्टर नहीं है, फिर क्या नाम है आपका? लीला बेन है। लीला बेन, अच्छा कहाँ से आ रहे हैं आप? यही से आ रहे हैं, बस स्टैंड से। बस स्टैंड से डॉक्टर साहब को ढूंढने आए हैं? हाँ। है नहीं, कोई देखो, कोई नहीं मिला ना, कोई नहीं दिया रहे थे, भैया ये देखो, अभी महिला वार्ड से इधर कोई, ये महिला वार्ड है, सब कुछ रखा हुआ है, सब कुछ है,
लेकिन करोड़ों रुपए का गिफ्ट दिया हुआ जैन लोगों ने। और राहुल गांधी कहते हैं कि रोजगार नहीं है, कम से कम जो सरकार उनके पास है, एक उदाहरण पेश होना चाहिए था राजस्थान के दर द्वारा। दिखाइए क्या घड़ी, दिखाइए घड़ी से दिखा दीजिए इधर, 2:52 हो रहा है। और ऐसा नहीं कि लंच का समय है कि बहाना बनाया जाए। और अस्पताल जब इतना बेहतरीन अस्पताल है, अच्छा ऊपर मंजिल सीढ़ी, ओहो हो हो हो, ये शानदार, आमतौर पे क्या बात है, इतनी शानदार कोठियां, मतलब लोगों का सपना होता है कि इस तरह का घर उनका हो। ये डॉक्टरों के लिए है, ये डुप्लेक्स बिल्डिंग है, क्या बात है, और ये स्टाफ के लिए है, ये जो पानी का ट्यूबवेल वगैरह सब कुछ व्यवस्था है, ये डुप्लेक्स है। अब बताइए इसमें डॉक्टर साहब क्या करेंगे, यदि सरकार सुविधा नहीं देगी तो डॉक्टर क्या करेगा, मतलब यदि देखिए इतना शानदार यदि घर बना हुआ है रहने के लिए और उसके बावजूद कोई डॉक्टर नहीं, कोई नर्सिंग स्टाफ नहीं, और ये पीड़ा उदयपुर के इस इलाके का, आप लोगों का विधानसभा क्या है, गोकुंदा है, तहसील सहरा, तहसील सहरा, और ये हमेशा यही आलम होता है। ये पीछे जो बनी है वो पेशेंट के लिए अपना है, भेजने के लिए सर, वॉकिंग लेक के लिए सब कुछ है। अब मतलब इसमें सरकार ने 54 भी खर्चा नहीं किया, नहीं छह लोगों ने दिया, हमारे बना के दिया पूरा जैन समाज ने, बना जैन समाज ने बना के गिफ्ट दिया, सरकार को दिया, ये बना के सरकार को दिया। अब अस्पताल सरकारी हो चुका हुआ है, अब इसमें सेठ जी की तो कोई मतलब भूमिका बची नहीं है। यहाँ से उदयपुर के लिए जाना पड़ता है, हॉस्पिटल के लिए। अब देख स्कूल है सर, स्कूल की भी वही स्थिति है, कैसे जाएंगे यहाँ से, मतलब स्कूल की भी स्थिति यही है। अब देखिए इन लोगों ने मुझसे बहुत जिद किया कि आप चलिए अस्पताल देखिए, स्कूल देखिए, हमें कहीं और जाना था आगे, और समय तो है, समय की हमें लग रही थी किल्लत, लेकिन इन लोगों की इच्छा पे हम आए। और उसके बाद जब मैं देखा तो मेरे लिए भी इतने लंबे समय के पत्रकारिता के करियर में ये एक अनोखा चीज़ है, इतना शानदार अस्पताल बना करके दिया है किसी एक अब सरकार को, मतलब सरकार का इसमें 54 भी खर्च नहीं है, लेकिन सरकार अपनी जिम्मेदारी से बचती है, कमाल की बात है। रोजगार की बात करते हैं राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, और अपने ही जो उनकी शासन का राज्य है उस राज्य में कम से कम यहाँ यदि ढंग के स्टाफ की भर्ती होती तो बहुत कुछ होता है। अरे नहीं है सर, स्टाफ तो है, भूल यहाँ पे स्टाफ कितना है, भर्ती कोई आ ही नहीं रहा, मतलब कोई देख रेख करने वाला नहीं है ना, देख रेख करने वाला नहीं है, महीने में एक बार आते हैं डॉक्टर और सब पूरे महीने का स्टाफ सर देख लो यार। अच्छा देखिए ये लोग कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब आते हैं, स्टाफ आता है, महीने का एक बार में साइन करके चले जाते हैं, आके लेके पैसे मिलना होता तनखा लेके रवाना है, बस ऐसा ये आलम है, ये अत्याचार है लोकतंत्र में, ये जनता के साथ अत्याचार है। और इन लोगों की पीड़ा ये है कि 3 जिलों के सेंटर पॉइंट पे ये हैं, और उसके बावजूद इनकी बदतर स्थिति है। ये राजस्थान का सच है जो पूरे देश को जानना चाहिए, ये राजस्थान का असली सच है जो देश को जानना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, अस्पताल आए हैं आप लोग? जी सर। किस लिए? इलाज करवाने के लिए। क्या परेशानी क्या है इनके? ये बुखार वगैरह, खांसी, सर्दी, जुकाम। यहाँ तो ना नर्स डॉक्टर है ना नर्स है, गांव वाले शिकायत करते हैं, ये लोग कई लोग आए थे, आप लोगों को पता रहता हमेशा ऐसे ही हालत होती है? हमेशा ऐसे ही रहता सर, हम तो आते रहते हैं मरीजों को लेके, फिर क्या करें, यहाँ पे मिलते ही नहीं है कोई, मतलब हमेशा यही हाल होता है ना? ये हमेशा। और इतनी सुविधाएं इस अस्पताल को हमने जा करके देखा, इतनी सुविधाएं, मतलब इतना बेहतरीन बना करके सरकार को गिफ्ट किया गया है, लेकिन सरकार कहते हैं ना उसका आपको सब कुछ करके दिया जाए, भोजन बना करके दिया जाए और आप खा भी ना पाए, तो वो हालात हैं, ये पीड़ा है यहाँ के लोगों का। जी सर। अब इसी ने सब लोग कह रहे हैं कि नहीं ये चाहिए हर किसी को, और ये देखिए कि पूरा आप देखेंगे कि हर मिनट, अब बच्चे भी कह रहे हैं कि हमें ये चाहिए, ये भी आएगा तभी अस्पताल में, तभी डॉक्टर होगा, और बच्चे भी जो इसके लिए तैयार हैं।
किसका लगा है वो? नरेंद्र मोदी के। कौन है ये नरेंद्र मोदी? कौन है नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी कौन है? प्रधानमंत्री। अच्छा अच्छा अच्छा, आपको अच्छे लगते हैं नरेंद्र मोदी? हाँ। चलिए ये आलम है, लेकिन अब इन लोगों को लगता है कि यदि मोदी आएंगे तभी, अब लेकिन इनकी समस्या का क्या किया जाए? ये बुखार किसी बच्चे को है और इनको अभी बुखार है। अब देखिए आपका बेटा है ये? पोता है इनका, पोता है। अब ये लेके अस्पताल आए हैं और आलम ये है कि देखिए कि सामने ये भी डॉक्टर में इलाज कराने के लिए आए हैं और आपने देखा कि 15-15 किलोमीटर दूर से आते हैं और देखिए अस्पताल इतना सब कुछ अच्छा था, भगवान मालिक है।